हेलो, लॉगरिथमिक स्पाइरल के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल के तीनों पार्टिकल्स जब एक दूसरे को चेस करेंगे तो कितने टाइम में मिलेंगे। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि लॉगरिथमिक स्पाइरल के डेरिवेशन हम कैसे करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लॉगरिथमिक स्पाइरल हम नेचर में कहाँ देखते हैं।
लॉगरिथमिक स्पाइरल के स्टडी में फ्लाइट ऑफ मॉथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेना है। आइए इसके बारे में समझते हैं। मॉथ या बटरफ्लाई की आंखों में ओमाटीडिया नाम का एक फोटोरिसेप्टर यूनिट होता है, जिसको यूज करके वो सन की रेज से अपनी डायरेक्शन तय करती हैं। जैसा यहाँ पे दिखाया गया है, सन की रेज जब अर्थ तक आती हैं तो वो ऑलमोस्ट पैरेलल होती हैं। कोई भी मॉथ अगर चाहेगी किसी पर्टिकुलर एंगल पे ट्रैवल करना उस सन की रेज से, तो वो कर सकती है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि 54 डिग्री के एंगल पे अगर मॉथ ट्रैवल करना चाहे सन की रेज से, तो वो अगर 54 डिग्री मेंटेन करती है तो वो स्ट्रेट लाइन पे जाएगी। पर सन की जगह अगर कोई पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हो, जैसे कि एक बल्ब या फिर स्ट्रीट लैम्प, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि इसकी रेज हर तरफ फैल रही हैं, अगर मॉथ अब चाहेगी 54 डिग्रीज मेंटेन करना, तो जब तक अगली रे ऑफ लाइट नहीं मिलती है उसे, तब तक वो एक स्ट्रेट लाइन पे जाएगी। उसके बाद उसे टर्न करना पड़ेगा ताकि 54 डिग्री मेंटेन रह सके। ऐसा करते हुए उसकी ट्रेजेक्ट्री अब स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, बल्कि कर्व होती चली जाएगी। यही है लॉगरिथमिक स्पाइरल या फिर इक्विएंगुलर कर्व। अब तक हमने मॉथ की फ्लाइट को 2 डायमेंशंस में देखा है, लेकिन 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में ये कुछ इस तरह से दिखेगी। मॉथ की फ्लाइट से रिलेटेड जियोजेब्रा के सारे फाइल्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, इनको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। इससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इस कर्व की।